अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्त ठीक होंगे, काफी अच्छे होंगे। इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं आसिफा बशीर के बारे में। जैसे कि आप सभी दोस्त को मालूम है कि कुछ दिन पहले एक इंसिडेंट पेश आया था श्रीनगर में, उसके बाद हुआ क्या, चाहे वो कोई यूट्यूबर हो या पेज वाला हो या कोई इंस्टाग्राम आईडी हो, बहुत सारे बंधु ने जो है ना उसका वीडियो बनाया और उसका जो है ना मजाक उड़ाया गया है, उसके मीम्स बनाए हैं। अब उन लोगों को जो है ना वार्निंग दी गई है, उन लोगों को जो है ना अलर्ट रहना पड़ेगा, उन लोगों के खिलाफ एक्शन ली जाएगी 24 घंटे के अंदर अंदर। जिस बंदे ने उसका वीडियो अपलोड किया है, चाहे किसी ने उसका मीम्स बनाए, चाहे किसी ने कुछ किया है, तो उन लोगों को जो है ना 24 घंटे के अंदर अंदर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, अगर उन लोगों ने वो वीडियोस डिलीट नहीं किए हैं। खास करके कश्मीर के यूट्यूबर्स के लिए भी ये बहुत ही अहम बात है कि उन लोगों को भी चाहिए कि वो वीडियोस डिलीट करें, क्योंकि उनके खिलाफ भी अब जो है ना एक्शन होने वाले हैं, जिसने भी आसिफा बशीर के खिलाफ वीडियो बनाए थे। तो उसके जो लॉयर है उसने कहा है कि उनके खिलाफ मैं 24 घंटे के अंदर अंदर जो है एक्शन लूंगी। उसका क्या कुछ कहना है मैं आप लोगों के सामने वो वीडियो के लिए भी प्ले करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कश्मीर के बहुत सारे बहन भाई चैनल फॉर वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो प्लीज आज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं आप लोगों का कश्मीरी ब्रदर हूं और मैं इस चैनल पर कश्मीर रिलेटेड हर कोई अपडेट देता रहता हूं। तो चलो दोस्तों पहले आप लोग वीडियो क्लिप देख लीजिए। आपका कोई हक नहीं बनता कि आप किसी के खिलाफ बोले भी, जब ठीक है वो जर्नलिस्ट नहीं है, वो एक लड़की तो है, वो कश्मीरी तो है, वो इंसान तो है, वो एक ह्यूमन बींग लिविंग बींग तो है ना। बहुत आसान है, जब किसी को कोई प्रूफ नहीं मिलता, ठीक है जी सॉफ्ट टारगेट ये है कि लड़की की कैरेक्टर एसिनेशन कर दो, हु आर यू टू डू दैट। आपको पता भी है एबेटमेंट टू सुसाइड आपकी वजह से हो सकती है, आप किसी को कहोगे कि आपके पास कोई प्रूफ है, अभी तक आप वन साइड स्टोरी सुन के कुछ भी बोली जा रहे हैं। और एंड व्हाट इज सो स्पेशल इन दिस केस, जब जैसे कि आसिफा बशीर का केस बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, आप देखिए फेसबुक खोलिए, इंस्टाग्राम खोलिए, यूट्यूब खोलिए, कोई एक्टिविस्ट लगा आई स्टैंड विद दिस आई स्टैंड विद दैट। मैं उन लोगों तक ये कहना चाहूंगी कि अपने चंद फॉलोअर्स के नाम पर आप किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करना बंद कीजिए। किसी के घर में आग लगती है सब हाथ सेकने आते हैं, बुझाने कोई नहीं आता, आपको उस आग में घी डालना है या फिर आपको उसको आग को बुझाना है, ठीक है आप किसी की, मैं नहीं बोल रही किसी की साइड लीजिए, लेकिन आपके 24 घंटे के अंदर वो मीम्स डिलीट करें, वरना मैं उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगी, मैं डेफेमेशन का केस करूंगी और जो भी लॉ ऑफ कोर्ट से बनता होगा वैलिड मैं उनके खिलाफ वो करूंगी। इंसान के अंदर अच्छाइयां बुराई हैं, बट फर्क सिर्फ इतना है कि हमें दूसरे की बुराई जल्दी दिखती है, अपनी दिखती नहीं है। तो हर इंसान गलती कर सकता है, क्योंकि अगर वो गलती नहीं करेगा मेरे ख्याल से वो रब बन जाएगा।